आदाब नमस्कार, सहारनपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद शौकीन, पेश है आज के मुख्य समाचार। रोटरी क्लब ग्रेटर द्वारा नो प्रॉफिट नो लॉस पर किया गया एसी एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ। बड़ी नहर में पानी बढ़ने से पंचायती शिव मंदिर की गिरी दीवार। चिलकाना रोड एसआर पेट्रोल पंप पर टीम एफबीडी द्वारा किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की मासिक बैठक का किया गया आयोजन। समाजवादी पार्टी की बैठक में 18 तारीख को होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने का किया गया आह्वान। पोएट्री क्लब द्वारा किया गया युवा कवियों के लिए ओपन माइक आयोजित। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की कोर कमेटी की बैठक का किया गया आयोजन। स्टेडियम में चल रही टेबल टेनिस टूर्नामेंट आज दूसरे दिन भी रहा जारी। गांधी पार्क में किया गया उपाध्याय समाज की बैठक का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। रोटरी क्लब ग्रेटर द्वारा आज नो प्रॉफिट नो लॉस पर एसी एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई, जिसको गुरु सिंह सभा से मुख्य अतिथि रोटरी गवर्नर प्रवीण गोयल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान क्लब के प्रेसिडेंट एमपी सिंह चावला ने बताया कि इस एम्बुलेंस से गरीब लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। मैं एमपी सिंह चावला, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब सहारनपुर ग्रेटर। आज हमारे क्लब ने सहारनपुर में जो लोगों को एम्बुलेंस की समस्या गरीब लोगों को होती थी, उसके निदान के लिए हमारी समिति ने, हमारी रोटरी क्लब सहारनपुर ग्रेटर ने एक एम्बुलेंस सहारनपुर वासियों को दी है, जिससे कि गरीब लोग भी कम से कम खर्चे पर देहरादून, मुलाना, दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए जो मरीजों को ले जाया जाता है, वो कम रेट पर अपने मरीजों को ले जा सकें। इसका उद्घाटन आज चंडीगढ़ से हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, जो विशेष तौर पर आज यहाँ पर पधारे हैं, प्रवीण गोयल जी, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर किया है। इसके अलावा आज हमने कैंप भी किया है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सहारनपुर में, और गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सहारनपुर के लंगर के लिए कुछ रसद भी हमारे रोटरी क्लब ग्रेटर सहारनपुर वाला द्वारा दी गई है। धन्यवाद। बड़ी नहर स्थित पंचायती शिव मंदिर का एक हिस्सा नहर में ज़्यादा पानी आने से बैठ गया। मंदिर के पुजारी पंडित राम बाबू शर्मा ने बताया कि नहर के पानी से मंदिर की एक दीवार गिर चुकी है और अब मंदिर ढहने का भी खतरा बना हुआ है, और साथ ही मेघ छप्पर में भी पानी भरने के आसार लग रहे हैं। जब हो जाएगा तब हम आपको बता देंगे। तो ये काफ़ी लंबा प्रयास करने के साथ साथ हर आदमी जगता भी है मंदिर की दिवाली का, कार्ड करते जब चौबीस घंटे पानी चलता है, ऐसे कार्ड का प्राइम करते ऐसे काम हो सकता है, गवर्नमेंट ही करा सकती है, तभी हो सकता है। दीवार की सजाई बाकी है नहर की, दीवार की मंदिर टूटने का कारण है। टीम एफबीडी द्वारा चिलकाना रोड पर स्थित एसआर पेट्रोल पंप पर आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हुए 72 यूनिट रक्तदान किया। वीडियो बना रहे हैं।
रेलवे सीनियर इंस्टीट्यूट में रेलवे रनिंग स्टाफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की मासिक बैठक का आयोजन सुभाष मनचंदा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ व प्लास्टिक के बहिष्कार पर जोर दिया गया। इस दौरान काफ़ी संख्या में पेंशनर्स उपस्थित रहे। इसलिए हम सबको इकट्ठे होकर बैठना होगा, उसको फाइट करना होगा। और अगर कहीं आगे जाना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा, तो हमको हमें जाना, हमें कहीं भी रुकना नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप दिल्ली रखते कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। पार्टी हकीकत नगर में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए चौधरी नीरपाल सिंह ने 18 अगस्त को रामलीला मैदान में होने वाले सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से भारी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। सम्मेलन हम करने जा रहे हैं रामलीला मैदान में, और ये पूरे देश में विरोध होगा, और इसका शंखनाद, इसकी शुरुआत सहारनपुर से होने जा रही है। इसके बहाने हम बीजेपी को बेनकाब करेंगे, बीजेपी की पोल खोलने का अभियान चलाएंगे, और जनता के सामने इनके झूठे वायदे, वादा खिलाफी, इन मक्कारों का असली चेहरा हम जनता के सामने लेके आएंगे, जनता के सामने इन्हें बेनकाब करेंगे। 18 तारीख हमारे MLC साहब जितेंद्र जी, बहुत लोग आ रहे हैं उस दिन, जो हमारे स्थानीय नेता लखनऊ से भी आ रहे हैं, काफ़ी नेता हमारी शिरकत करेंगे। गुरुद्वार रोड स्थित एक होटल के सभागार में पोएट्री क्लब द्वारा युवा कवियों के लिए ओपन माइक आयोजित किया गया, जिसमें युवा कवियों ने अपनी कविताओं से खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम के समापन पर युवा कवियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। मेरे पिता के लिए अपने पिता के त्यागों की दांसता, अपने पिता के त्यागों की दांसता आज खोलने जा रहा हूं। उनकी कुर्बानियों पे आज मैं कुछ बोलने जा रहा हूं। और ये रियलिटी है कि जो मेरे साथ उनका अटैचमेंट था, वो भावना थी, वो किस तरह की थी, कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या करा, कि पथरीले थे जिंदगी के रास्ते पर वो चलते रहे मेरे लिए, मुझको देखकर अपने त्याग की छाया हर पल जलते रहे मेरे। न सकी पर हाँ, जो एक फूट छोड़ दिया है तूने उसमें, वो टूटा हुआ स्फुट का टुकड़ा जरूर तो थी शुरू से, और वो जो कहते हैं तेरी चाय का प्याला तुम्हें बन ना सकी, तेरी चाय का प्याला तुम्हें बन ना सकी, पर हाँ, जो एक वो छोड़ दिया है तुमने उसमें टूटा हुआ वो बिस्कुट का टुकड़ा तो जरूर थी शुरू से। चंद्र विहार स्थित एक स्कूल में आज उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि जनता की गाड़ी कमाई को सरकार ठिकाने लगाने में लगी हुई है। इस दौरान काफ़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। स्कूलों को छापा मारने का काम करते सरकार, इसलिए सरकार के पास साधन तो रहे नहीं, बच्चे रहे नहीं है, जिसके बाद जब प्रलोभन योजनाएं चला जा रहा है, हर प्रयास कर करके उन लोगों ने अपना जो है या वो किया करने के बाद प्रयास किया, लेकिन स्कूलों को तोड़ने की साजिश है, निजी स्कूलों के खिलाफ सरकार काम करती है। इसलिए हम पूरी तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाते करते हुए महापंचायत का आयोजन होगा, और उस महापंचायत के आयोजन पर हम पूरी तरीके से जब उसका आखिर साबित होगा सहारनपुर के लिए, कि और अनेक दूसरे जनपद में भी हमारे इस आह्वान पर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में चल रहे 3 दिवसीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट में आज दूसरे दिन भी खिलाड़ियों ने जमकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर एक से एक शॉट खेले।
गांधी पार्क में उपाध्याय समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जनसंघ इन्होंने स्थापित की थी, पार्टी जनसंघ प्रारंभ में, और वो पार्टी ही आगे उसने जो है इसका रूप लिया भारतीय जनता पार्टी का 1980 से या 1900 से सन से जो है, मैं ये मेरे ध्यान में है फिलहाल। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।